मीटिंग कर लेंगे, 400-500 लोग होंगे। लोक सभा जब आप 400-500 लोगों की मीटिंग बुलाते हो तो 1000-1500 आ जाते हैं, तो अगली बार 1000 रखी जाए। ये बहुत बड़ी बात है, वो ऊर्जा जो पंजाब को पंजाब बनाती है और दिल्ली में बैठे हम जैसे लोगों को हौसला देती है कि पंजाब के नौजवान में, पंजाब के वॉलंटियर में, पंजाब के कार्यकर्ताओं में, पंजाब के एमएलए में, पंजाब के पदाधिकारियों में अभी भी बहुत ऊर्जा भरी हुई है, पंजाब के कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा भरी हुई है, वो आज दिख रही है। सबसे पहले तो उस एनर्जी के लिए बहुत बहुत बधाई जिसको आपने कहीं से कम नहीं होने दिया। दूसरी बधाई, आज आपकी पार्टी का स्टेट मुख्यालय, स्टेट हेडक्वार्टर, स्टेट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। मैंने वहां भी कहा जब स्टेट ऑफिस का उद्घाटन हो रहा था, ये पंजाब के स्टेट लेवल पदाधिकारी, एमएलएज, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन सब का ऑफिस तो है ही है। दूर पंजाब के किसी गांव में बैठे हुए कार्यकर्ता को ये महसूस होना चाहिए, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा ऑफिस है जो चंडीगढ़ में बुलाया जो भी, उसको लगना चाहिए कि अगर वो चंडीगढ़ आ रहा है तो जैसे अभी गांव हल्के से दूर दूर से कहीं से हम लोग आते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में अपना कोई खास, अपना कोई जानकार, अपने परिवार का कोई आदमी रहता हो तो अपने को मन रहता है कि सरकार के दफ्तर में गए तो जरा 10 मिनट निकाल के उधर भी आ जाएंगे, होता है नहीं? ये होता है कि अगर कोर्ट के काम से आए, कचहरी के काम से आए, सरकारी दफ्तर में किसी में मिलने आए, किसी लीडर से मिलने आए, तो आधा घंटे का वहां काम है तो आधा घंटा हम अपने के लिए, अपने अपने बंदों से, अपने परिवार के, अपनी बहन रहती है, कोई भाई रहता है, कोई गांव का अपना रहता है, उससे भी निकाल के आते हैं कि 2 घंटे करके चंडीगढ़ आए थे तो मिलकर चले। तो दूर से कार्यकर्ता को आके आने वाले को लगना चाहिए कि मैं चंडीगढ़ किसी भी काम से आया सी अपनी पार्टी के दफ्तर होकर आया, उसको ओनरशिप करनी चाहिए। वो ओनरशिप बनाने का काम उन लोगों का है जो चंडीगढ़ के इस ऑफिस में बैठेंगे, इसका संचालन करेंगे, और दूर दूर तक बैठे हुए आप लोग, जिले हल्के के प्रधान लोग, अलग अलग गांव के सब लोग आए हैं, तो आपको इस बात की बधाई कि आपकी पार्टी का एक कार्यालय आज वहां पर उद्घाटन हुआ है। पर आज जब आप सारे इकट्ठे हो तो मैं एक चीज को और बधाई देना चाहता हूं। आज देश में हर राज्य में कोई ना कोई सरकार काम करती है, कर रही है, जहां सरकार है वहां कोई ना कोई अपोजिशन भी है ही। जब 2017 का, 17 में तो खैर लगभग थोड़े दिन चार चला मेहनत हुई, असली मेहनत तो सबने आपने हमने मिलकर 2016 में की, पंजाब के गांव गांव में, पंजाब के हर कस्बे में जाकर के आपने मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा चाहे जो भी हो, सरकार नहीं बनी उसका पूरा एनालिसिस हुआ, कहां चूक हुई, कहां बदमाशी हुई, सब चीजों का एनालिसिस हुआ, सब चीजों को समझा भी है, सरकार भी बनी, लेकिन फिर भी फक्र की बात है कि महज दूसरा चुनाव लड़के, पहला चुनाव लड़ा आपने लोकसभा का, आपने इस देश को 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के लिए, दूसरा चुनाव लड़ा आपने विधानसभा का, आपने 20 MLA आम आदमी पार्टी के लिए। देश के इतिहास में नहीं ऐसा होता कि कोई आदमी, कोई पार्टी नई नई बने और वो चुनाव लड़े और सीधे 4 MP से संसद में एंट्री करे, सीधे 32 विधायक से विधानसभा में एंट्री करे। ये आम आदमी पार्टी ही है, ये आपकी बदौलत है। ये रोमांटिसिज्म की बात नहीं कर रहा मैं, इस बात की बधाई नहीं दे रहा, बधाई किसी दूसरी चीज की देना चाहता हूं। हर राज्य में कोई ना कोई सरकार है, हर राज्य में कोई ना कोई विपक्ष है, विपक्ष में एमएलए बैठते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में बैठती है तो एक साल के अंदर अंदर एक भ्रष्ट मंत्री का विकेट गिरा देती है, बाकी सब मिलकर करते हैं, सबकी मिलीजुली सरकार चलती है, जो सरकार में आ जाए वो और जो विपक्ष में आ जाए सबकी मिलीजुली सरकार चलती है। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पंजाब के गांव गांव में, देश के गांव गांव में फक्र के साथ खड़े होकर कहता है कि दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है और पंजाब में हमें सरकार की नाक में दम कर रखा है। ये कौन सी ऐसी पार्टी है पूरे देश में, किस राज्य में ऐसा विपक्ष है जो खड़ा होता है तो एक साल के अंदर अंदर
माफियागिरी के चक्कर में वहां के एक मिनिस्टर का विकेट लेता है, मुझे एक राज्य बता दो वहां, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन आज आपको बधाई है इस बात के लिए, आपको जो काम सरकार में रहकर करना था सरकार में मौका नहीं मिला, तो आपकी पार्टी, आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के लीडर ऑफ पोजिशन विपक्ष में बैठे हुए उस काम को कर रहे हैं। हमने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज पंजाब का एक एक कार्यकर्ता फक्र के साथ कहता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही सत्ता में नहीं बैठे, विपक्ष में बैठ के भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता में बैठने का मौका मिलता तो सिस्टम से भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूत कर देते, विपक्ष में बैठने का मौका दिया पंजाब के लोगों ने, फिर भी भ्रष्ट मंत्रियों को वहां नहीं बैठने दे रहे, उनको दिख नहीं आती रात में। जिस दिन से पहले मंत्री का विकेट आपकी पार्टी के विधायकों ने लड़के खेरा साहब ने सामने लेके आपकी पार्टी ने मिल के गिराया है, तो आम आदमी पार्टी की बड़ी उपलब्धि है इस चीज में कि पहला विकेट पंजाब की सरकार का एक साल के अंदर अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, माफिया के मुद्दे पे गिराया। ये छोटी चीज है, इसके लिए मेरा मन था कि आपको बधाई दी सात साल पहले सब लोग आप लोग भी जंतर मंत्र आते थे, रामलीला मैदान आते थे, पार्टी बनी, पार्टी बनके फिर अब सारी हिस्ट्री सबको बताई है, एक राज्य में आप सरकार में है, दूसरे राज्य में इतने विपक्ष में है, एमपी हैं आपके, तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से पहुंच गए, कई राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहा है आपके म्यूनिसिपल काउंसलर्स, यहां तक कि म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन तक जीत रहे हैं, तो उन सबके बीच में हम क्या करने आए हैं हमें ये याद रखना है। इस देश में टोकनिज्म की राजनीति होती है, टोकनिज्म का सरकार चलती है। आप किसी सरकार से जाके बात करो, बोले हमने जी एजुकेशन पर बड़ा अच्छा काम कर रखा है, कहां कर रखा है, वो मंत्री जी पीछे देखेंगे अफसरों की तरफ, बेटा स्कूल है जी वो बनवाया था लास्ट ईयर, फिर वो अफसर बता देगा जी वो फलाने पिंड में, 10,000 गांवों में से किसी एक पिंड में कोई स्कूल बना देंगे, और यूनाइटेड नेशन से लेके कनाडा के एनआरआई से लेके दिल्ली से आने वाली प्रेस से लेके और पंजाब चंडीगढ़ वाली प्रेस तक तो वही स्कूल दिखाते रहेंगे। बोले तो एजुकेशन हमने ऐसी कर रखी है, बाकी सारे गांवों में एजुकेशन का नरक मचा रखा होगा, चार स्कूल बना के खड़े करते हैं, अच्छे बात है। हम दिल्ली में कहें कि हम चार स्कूल नहीं, पूरी दिल्ली में अगर 4,000 स्कूल है तो 4,000 स्कूलों को अच्छा, हमारी राजनीति 4 स्कूलों को अच्छा चमकाने की नहीं है, हमारी राजनीति इस बात की नहीं है कि अपने हमारी पार्टी की सरकार बन गई तो हमारी पार्टी के नेताओं के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलने लगेगी, किसी और पार्टी की सरकार की थी तो उस पार्टी के नेताओं को और उसके पैसा देने वालों को अच्छी एजुकेशन मिलने लगी। हमारी पार्टी की सरकार, हमारी पार्टी की राजनीति इस बात की है कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो अपनी पार्टी के वोटर्स को ही नहीं, दिल्ली में जिन लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया था उनके भी बच्चे अगर आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। दिल्ली के गरीब से गरीब आदमी को पिछले 3 साल में, और एक बात अभी आप जिक्र कर रहे थे, शायद आपने जिक्र किया या आपने, कि दिल पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आपने जिक्र किया, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि आपकी पार्टी की जहां सरकार चल रही है आप चौड़ा के गई है पूरे पंजाब में कि दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार है और पिछले 3 साल से दिल्ली में सरकारी स्कूल पर बने प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी जमीन पर बने हुए प्राइवेट स्कूलों को हमने फीस नहीं बढ़ाने दिए वहां पर। नहीं, देश का एक बार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जहां 2009-10-11 में कई सारे प्राइवेट स्कूलों में 6 पे कमीशन के नाम पे फीस ज्यादा घनी घनी बढ़ा के ले ली थी, 2017 में वो फीस लौटवाई है, वापस करवाई है। 15,000 रुपए तक के चेक लोगों को घर में हैं, जो बच्चे 11वीं-12वीं करके 2010-11 में वापस कॉलेज भी पास कर गए उनके भी फोन नंबर ढूंढ ढूंढ के स्कूल वालों ने फीस वापस कराई है, स्कूल 2009 में तो फीस वापस ले ली थी। ये हमारी राजनीति है, हमारी राजनीति ये नहीं है कि सरकार में आ गए तो प्राइवेट स्कूल वालों से चंदा ले लो और उसके बाद प्राइवेट स्कूल वालों को जनता को लूटने को फ्री छोड़ दो। हमारी राजनीति ये नहीं है कि सरकार में आ गए तो गवर्नमेंट स्कूल वालों में ठेकेदारों से चंदा ले लो, मिड डे मील सप्लाई करने वालों से चंदा ले लो, टीचर्स को अपने प्राइवेट काम में लगा दो। हमारी राजनीति इस बात की है
कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर आज अमेरिका, जर्मनी, फिनलैंड, रूस, जापान, सिंगापुर सरकारी स्कूल के टीचर्स, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स आज ट्रेनिंग में भी दिखा रहे हैं हमारी राजनीति से। हमारी राजनीति के शिक्षक पर स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य भी एक मैकेनिज्म चलता है पूरे देश में। आप किसी भी राज्य में किसी भी सरकार में जाकर बात करो, भैया अस्पतालों का क्या हाल है, बोले जी बहुत बढ़िया है, अच्छा दिखाओ जरा। वो चार अस्पताल, चार मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक तो खैर दिल्ली में है, डिस्पेंसरी आपको दिखा देंगे कि बहुत शानदार वाले हैं, देखो एसी भी लगा रखा है हमने। और उसके बाद जो पूरे राज्य में 4-6 हजार बने होंगे, उनमें आदमी का इलाज नहीं होता होगा, कुत्ते बैठते, कुत्तों का भी इलाज नहीं होता, किसी कोने में कुत्ते जमीन खोद के किसी में सोए होते हैं, चूहे लगे होते हैं, मूस लगा होते हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति है कि दिल्ली में सरकार भी है और मोहल्ला क्लिनिक बना के ये सुनिश्चित कर रही है कि आप दिल्ली के जिस कोने में भी खड़े हो, अगर आपको कोई बीमारी है और आप एक फिजिशियन को, एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट इधर वॉक करके चले जाओ या 10 मिनट इधर वॉक करके चले जाओ, 10 मिनट से ज्यादा दिल्ली के किसी भी कोने में आपको वॉक नहीं करना पड़े, आपको हर कोने में इतनी मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। और आपको वहां एमबीबीएस डॉक्टर इलाज करता है, आपको वहां पर 200 तरह के टेस्ट भी होते हैं, सारी दवाइयां फ्री मिलती है। ये राजनीति आज पूरे देश में जब भी कोई नई सरकार बनती है सबसे पहले बिजली के दाम बढ़ा देती है, बोले अभी बढ़ा दो फिर चुनाव के बाद देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो राज्य में जिस जिस राज्य में बनी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जहां जहां भी बनी है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में, सारे राज्यों में इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। आज फिर से कह रहा हूं, दिल्ली सरकार एकमात्र देश की ऐसी सरकार है जिसने पिछले 3 साल में अगले साल के लिए फैसला कर दिया, 4 साल में दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े, बल्कि सरकार ने आते ही दिल्ली में बिजली आधे दाम पर कर दी थी और 3 साल से और अगले साल के लिए कर दिया, 1 रुपया दाम बढ़ने क्या 1 पैसा दाम बढ़ने। आम आदमी को पैसा मिलता है उसके यहां से जेब से 5,000 रुपए जाता था, 2,500 रुपए जाता है पिछले 3 साल से, जिसका पहले 5,000 जाता था, किसी और पार्टी की सरकार होती तो अभी 7,000 रुपए जा रहा होता, लेकिन 3 साल से सिर्फ 2,500 रुपए मिल जा रहा है, उसका अगर 5,000 रुपए जाता था। पानी का भी माफ कर दिया सबका, और कैसे, एक छोटी सी चीज कहते हैं क्योंकि दिल्ली की सरकार की तारीफ गिनाने नहीं आया, आपके साथ बातचीत करने आया हूं, कैसे कहां से आया पैसा, किसानों की बात कर रहे थे, किसानों को दिल्ली में जब बारिश हुई और बारिश में उनकी फसलें बर्बाद हुई तो आज तक देश के इतिहास का सबसे बड़ा मुआवजा दिल्ली सरकार ने लिया किसानों को, वहां से खड़े होकर राजनीति कर।